नाजरीन, पाक अफगान यूथ फोरम की जानिब से PNCA में पाक अफगान मीडिया कन्क्लेव के नाम से एक इवेंट कराया गया, जिसमें वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने पाक अफगान ताल्लुकात के बारे में मीडिया और नौजवानों से बात की। नाजरीन, पाक अफगान यूथ फोरम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बेहतर ताल्लुकात बनाने के लिए बनाया गया है, जिसका मकसद पब्लिक डिप्लोमेसी, हुकूमत के फैसले, सकाफती तबादले, तालीम, सेहत और अफगान मुहाजरीन के मुतालिक उमूर के बेहतरीन हल तलाश करना है। फवाद चौधरी ने तकरीब में कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में 30 लाख अफगानी मुहाजरीन रह रहे हैं और ऐसे ही माजी में पाकिस्तान ने अफगान मुहाजरीन को जगह दी थी। उनका कहना था कि हम अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और इसी तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सकाफत में बहुत मुशाबियत है, जैसे कि हमारी जुबान एक है। हमारे दीन ने और हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि अपने हमसायों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, और इसीलिए जो हमारी तारीख है उसमें आपने देखा है कि हमने एक दूसरे के साथ जो हमारे रिलेशनशिप है वो ऊंच नीच के बावजूद एक मुस्तकिल रिलेशनशिप है। दुनिया की जो सियासत है उसमें भी उतार चढ़ाव होता रहता है। पीपल में भी फेयर बट वर्ल्ड इज नॉट फेयर। ये कोई एहसान की बात नहीं थी, हमारा फर्ज था, पाकिस्तान का फर्ज था कि वो उस लड़ाई में इफ़ान अवाम का साथ देता, और हमने वही किया जो हमारे ख्याल में इफ़ान अवाम का इंटरेस्ट था, हमारा इंटरेस्ट था, और हम लड़ाई जीते। अब हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जिसको हमें इस वक्त जो सामने आता है कि अगर अफगानिस्तान के हालात खराब होते हैं तो वहां से एक बहुत बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस होगा। और दुनिया ने 1998 में क्या किया कि जब ये क्राइसिस खत्म हुआ, यूएसए साथ ने भी बैग उठाया चले गए, अमेरिका भी बैग उठाया चले गए, और जब सारा मैच था वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दोनों को मैनेज करना पड़ा। हाउ सुपर पावर्स ऑपरेट, they don't believe in long-term settlements when it really, you know, matter of ki unki apni economy ke upar koi zor pade ya unki apne logon pe koi bojh pade, wo bag uthate hain chale jaate hain। नाजरीन, फवाद चौधरी ने बयान दिया कि वजीर आजम इमरान खान की सोच है कि हम CPEC और यूरोपियन यूनियन को इकट्ठा कर दें, जिससे मुल्क के ट्रेड में बेहतरी आएगी और हमसाया मुल्कों के साथ ताल्लुकात और भी बेहतर होंगे। नाजरीन, इस तकरीब के बारे में लोगों का कहना था कि हुकूमत और यूथ मिलकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बेहतर ताल्लुकात बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। इस तरह की इवेंट्स जो है, पाकिस्तान अफगान मीडिया इंक्लेवेशन, इस तरह के होनी चाहिए, क्योंकि इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो ताल्लुकात है ये और भी बेहतर हो सकते हैं। बिल्डिंग मैयज जो हैं वो थ्रू